टू इंफॉर्मेशन चैनल। इंफॉर्मेशन चैनल की इस सीरीज के अंदर हम जानेंगे भारत की कुछ अजीबोगरीब मिस्ट्रीज के बारे में। इस सीरीज का नाम है द मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम जानेंगे द सोनिक बूम ऑफ जोधपुर। सबसे पहले तो क्या आपको ये पता है कि सोनिक बूम होता क्या है? सोनिक बूम वो होता है, सोनिक विमान यानी कि सोनिक प्लेन जो होता है वो आवाज की गति से तेज जब उड़ता है तब उसके अंदर एक धमाका होता है, एक आवाज होती है, एक उसे सोनिक बूम कहते हैं। बहुत ही तेज आवाज होती है, वो इतनी तेज होती है कि जो घर होता है वो वाइब्रेट होने लगता है, कांच की चीजें टूट जाती है, खिड़कियां टूट जाती है। 2-3 सेकंड के लिए तो हमारी सांसें रुक जाती है, उतनी तेज होती है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या है। कुछ इस तरह का एक बहुत ही तेज आवाज होता है, वो होता है सोनिक बूम। वो एक्चुअली प्लेन के अंदर से निकला हुआ, इंजन से निकला हुआ आवाज होता है। पर रिहायशी इलाकों में आमतौर पर ऐसी प्लेन इस गति से नहीं उड़ते हैं और ऐसी आवाजें नहीं आती है। 18 दिसंबर 2012, जी हाँ, ये वही दिन है जब राजस्थान के जोधपुर में ये आवाज सुनाई दी गई थी। कई लोग ऐसा मान रहे थे कि आर्मी की कोई कवायद चल रही होगी और एयरफोर्स का कोई विमान उड़ रहा होगा, उसी वजह से ये आवाज आई है। पर भारतीय मिलिट्री ने, भारतीय आर्मी ने इस बात के बाद से इनकार कर दिया कि हमारी ऐसी कोई भी ड्रिल इस वक्त नहीं चल रही है। तो फिर ये आवाज आई कहाँ से, ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ। और बहुत सी जानकारी इकट्ठा करने के बाद भी इस चीज का पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ये आवाज आई कहाँ से। ऐसी अनजान आवाजें टेक्सास में भी सुनाई दी गई थी और यूके में भी सुनाई दी गई थी और अमेरिका में ऐसी आवाज सुनाई देने के बाद कई लोगों ने वहां पर उड़न तस्तरिया यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि यूएफओस को उड़ते हुए देखा था। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कोई कनेक्शन होगा, एलियंस के फ्लाइंग मशीन में से ऐसी कोई आवाजें आ रही होगी? ये एक अनजान मिस्ट्री है जो भारत के मिस्ट्रीज के अंदर लॉक हो चुकी है, जिसका जवाब कोई नहीं दे पाया है और इसे स्थान मिला है भारत की अनजान मिस्ट्रीज में। तो देखते रहिए इंफॉर्मेशन चैनल, अगले वीडियो में हम इसी प्रकार की कोई अनजान मिस्ट्रीज को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।